खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शाहरुख खान की बनाते तो शाहरुख तो भजन नहीं गाते। ओ भजन का मामला है। शाहरुख तो इतना आध्यात्मिक वो नहीं करते हैं ना जो आप। अच्छा आप बिल्कुल स्पिरिचुअल सोच रहे हैं। रूह तक लोगों के अपनी आवाज और अपना संगीत और वो साधना। अभी ऐसे आशा जी हैं, लता जी हैं, आप हैं, तो आप लोग का कंपेयर हम किसी एक्टर से तो नहीं कर सकते। नहीं आपकी सोच ही अलग है, आपकी सोच ही अलग है तो बिल्कुल ठीक है। ये तो एक बहुत ही ऊंचा स्तर है ना, सोच अलग। ये ईश्वर की साधना है एक तरीके से। संत को कहीं पंद्राओं में और पहाड़ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आर्ट एंड म्यूजिक इज कनेक्टेड टू योर सोल। बिल्कुल सही। इफ यू पेंट यू डू इट फॉर योरसेल्फ फॉर योर सोल, सोल के लिए आप करते हैं। इसीलिए मैंने सवाल इनसे पूछा। पहले तो यहाँ पे जो हमने पेंटिंग्स देखी उसमें अलग अलग फेज है, थोड़ा सा बताइए सर कौन से फेज और कैसा रहा ये पूरा। असल में पेंटिंग जो है वो 10-12 और भी थी, लेकिन कुछ हमारे शोज में उसका ऑप्शन हुआ और चैरिटी के लिए हमने वो पैसा इकट्ठा करके दिया, तो जो बची हैं आज हमने वो यहाँ दिखाई हैं। और उसमें अलग अलग मूड हैं, कुछ हम रियाज कर रहे हैं उसके हैं। एक फिल्म आ रही है हैप्पी सिंह, उसमें हमारा डबल रोल है वो है। और एक रविंद्र जैन जी के साथ है हम बैठे हैं। एक हमारे बचपन की है जो पहला कॉन्सर्ट हमारा हुआ था 7 साल की एज में उसका है। तो अलग अलग इन्होंने कैप्चर किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं समझता हूँ कि गीता जी बहुत ही वर्सटाइल हैं, अलग अलग मूड की पिक्चर्स को इन्होंने हमारे सामने पेश किया है। तो इनकी पेंटिंग लाजवाब है, खूबसूरत है, रंगों को इतना खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल करती है। और अभी भी जो मैंने ये कुर्ता और धोती पहनी है ये भी इन्होंने सेलेक्ट करके दी है कि आज के मौके के लिए रंग बिरंगी ऐसे पहनो, इनसे मैच भी थोड़ा होता है, तो ये भी इन्होंने सेलेक्ट करके दिया। मैम आप बताइए कितना इंस्पायर किया है सर ने आपको और क्या रिसर्च करनी पड़ी जो फेज आपने दिखाया जैसे मैंने पहले मेंशन। मुझे रिसर्च नहीं करनी पड़ती है क्योंकि मेरे स्वभाव में है कि मैं ऑब्जर्वेशन आर्टिस्ट और साइंटिस्ट की बहुत स्ट्रांग होती है। तो अनूप जी का जो बहुत खूबसूरत गुण है जिसके वजह से ये सम्राट कहला रहे हैं और हर बड़े अवार्ड से नवाजे गए हैं हमारे देश की विभूति हैं। इंस्पिरेशन के लिए तो ये हर एक ही इंस्पिरेशन है। और दूसरा मुझे जो प्रकृति से जुड़ाव है तो मुझे ये लगता है कि कश्मीर की पैदाइश होने की वजह से टुकड़ा टुकड़ा सब मुझ में बसता है। और अनूप जी की गायकी में इतनी गहराई है, इतना आध्यात्म है कि वो रूह तक उतरता ही उतरता है। आप इनके मुरीद में देखेंगे एक रिक्शा वाला अनपढ़ जो होगा वहाँ से लेकर एक पढ़ा लिखा जहीन इंसान भी इनका मुरीद है। तो इनके मूड्स को रंग देने की दृष्टता जो मैंने की है वो इनके बड़प्पन की वजह से ही है। और मैं समझती हूँ कि इंसान पैसों से या रुतबे से बड़ा नहीं होता, अपने बड़प्पन से बड़ा होता है जो ये हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये पेंट करूँ और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन इससे होगी बिकॉज इट्स लाइक पिक्टोरियल बायोग्राफी है ना। तो एक यात्रा जो बिना पढ़े भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो
हमारे जो अभिव्यक्ति है वो मूक होती है चित्रों के ज़रिए, रंगों के लाइंस के ज़रिए, तो भावनाएं भी सूक्ष्म होती है, तो उनको ही उकेरने की कोशिश की है। आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जितने भी पेंटिंग्स हैं, आपकी फेवरेट जो फेज है अनूप सर का, वो कौन सा है आपका फेवरेट? मुझे ये हर रंग में अच्छे लग रहे हैं, हर फेज अच्छा है। क्यों, अगर आप ये बोलेंगे बचपन ज़्यादा अच्छा था या यूथ ज़्यादा अच्छा है या ओल्ड एज अच्छी है या इंसान यहाँ से जा चुका तब अच्छा है, मेरे को ऐसे लगता है कि हर फेज़ जो हम लोग जीवन में जीते हैं या जीवन के बाद भी जिस जीवन को जीते हैं, तो हर फ्लो अच्छा है, उसको उसी तत्क्षण जीना चाहिए, जीवन जीने के लिए है। तो आप क्षण क्षण को जिएंगे तो बहुत खुशी से आनंद में आप अपना समय निकाल सकते हैं। अनूप सर, जैसे मैम ने कहा कि यहाँ पे जो है शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबने पेंटिंग्स देख के पहचान लिया, तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पेंटिंग की जो कला है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेंटिंग की जो कला है वो तभी खूबसूरत लगती है जब वो एक्सप्रेशन को कैप्चर करे। सिर्फ रंग भर देने से नहीं होता है, उसमें एक नेचर नज़र आना चाहिए, एक कैरेक्टर नज़र आना चाहिए। तो इन्होंने उसी तरह की हमारी मुस्कुराहट रखी है, उसी तरह हमारे गाने के एक्सप्रेशन रखे हैं। कहीं इन्होंने हमें कृष्ण भी बना दिया है, कहीं पर चैतन्य महाप्रभु हैं, और कहीं हम रविंद्र जैन जी के फ़ैन हैं, वहाँ खड़े हैं उनके पीछे। तो ये सब चीज़ें मिला के इन्होंने हर रंग को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है और उसमें पूरी तरह सफल हुई है। क्योंकि जब मुझे पसंद आ गया मतलब सबको पसंद आ गया, मैं ही उसमें हूँ और मुझे अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए। और इनकी पेंटिंग्स तो अमेरिका, कनाडा सब जगह पहुँच चुकी हैं, क्योंकि मैं अपने शोज़ में इन्हें ले जाता हूँ और वहाँ ये ऑप्शन होती हैं, चैरिटी के लिए वो पैसा जाता है। आज भी ऐसा होने वाला है, कुछ पेंटिंग्स यहाँ भी ली गई हैं जो पैसा चैरिटी में जाएगा। तो इस तरह का काम हम चाहते हैं कि मैं और गीता जी मिलके भविष्य में भी करते रहें और समाज की सेवा करें। सर, उस चैरिटी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और ये पैसा भी, जैसे आपने हमारा एक फाउंडेशन है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन, तो उससे हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं उनके दवाई के पास पैसे नहीं है, कुछ आते हैं फिर उनको किताबें चाहिए पढ़ने के लिए नहीं है, और फिर कुछ कलाकारों को हम हर साल सम्मानित करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। उसमें एक सम्मान हमारे पिताजी के नाम से है, पुरुषोत्तम दास जलोटा सम्मान, एक है श्री रविंद्र जैन जी के नाम से, एक हमारी पत्नी मेधा के नाम से है, जो कोई अप एंड कमिंग अच्छी प्रॉमिसिंग क्लासिकल डांसर को दिया जाता है। तो इस तरह के काम हम चाहते हैं कि आगे भी करते रहें और लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। सर, हमने देखा कि रविंद्र जैन जो दादा है उनके साथ बहुत ही, मतलब वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है, तो कैसी मेमोरी रही है दादा के साथ, अगर कुछ बताएं? रविंद्र जैन जी हमारे बड़े भाई जैसे थे, हमको बहुत चाहते थे और हमने उनके लिए गाया भी, कई फिल्मों में भी गाया, प्राइवेट भी गाया। तो ऐसे कलाकार मुझे लगता है होंगे नहीं जो लिखते भी बहुत अच्छा हो, गाते भी हों, संगीत भी करते हों, सब कुछ सारे गुण उनमें विद्यमान थे। तो वो बहुत रेयर म्यूजिशियन हमारे देश के। सर, इसके अलावा अगर म्यूजिक की बात करें और पेंटिंग की बात करें, कैसे कनेक्टेड है थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस? बहुत कनेक्टेड है। जिस तरह हम अलग अलग सुरों से गाने को भरते हैं, तो ये अलग अलग रंग से भरते हैं, तो तभी वो सामने तस्वीर बन के सुंदर आती है, तभी वो गज़ल या भजन या गीत सुंदर बन के सामने आता है। तो जो हमारे सुर हैं वो इनके कलर्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो इनका ब्रश है, फीलिंग लेके आते हैं। तो गीता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद है इसके लिए। सर, आपने कभी पेंटिंग बनाने की कोशिश की, मतलब बचपन की ऐसी कोई याद है अगर? हमने भी बनाई है, जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी अमेरिका में, तो हम और वो पेंटिंग बनाते थे वहाँ। तो कुछ ऐसी पेंटिंग हमारे पास है भी जो उसने भी बनाई, हमने भी बनाई, एक साथ बैठ के बनाई। तो इस तरह का समय हमने बहुत खूबसूरत समय गुजारा है। सर, अभी जो है आपका एक एल्बम आया था, लोगों ने बहुत पसंद किया, केसरिया। समय में सर, हाँ, केसरिया बालम बहुत हिट हुआ है, मैंने और रीना मेहता ने गाया है, और उसके ऑलरेडी 1.5 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं 3 दिन के अंदर। इसका मतलब है दुनिया उसे बहुत देख रही है, पसंद कर रही है। ऐसा ही और भी बहुत जल्दी एल्बम आएगा जिसको आप लोग देखेंगे। सर,
सर आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है जसलीन के भी काफ़ी नज़दीक है, दीपक के भी काफ़ी नज़दीक है। अभी अभी जो है जसलीन ने एक कंप्लेंट दायर की है दीपक के खिलाफ, तो कुछ कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आप अवेयर होंगे इस बारे में। नहीं, एक तो जसलीन के हम बिल्कुल नज़दीक नहीं है, पहली बात तो ये ये बिल्कुल गलत बात है। जान पहचान तो हमारी कटरीना कैफ से भी है लेकिन हम नज़दीक बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी कभी संगीत सीख लेती है हमसे और हम उसको उसके लिए सपोर्ट करते हैं। दीपक को प्रॉमिसिंग सिंगर है, आगे चल के नाम करेगा। और बाकी जो कुछ हो रहा है उनके बीच में वो तो उनका पर्सनल मामला है, उन्हीं से पूछिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।